नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल काजू करी बनाना सिखाएंगे। किसी भी खास मौके पर इस काजू करी को बनाकर उस मौके को और भी ज्यादा खास बनाइए। और जब आप इस काजू करी की रेसिपी को बनाएंगे तो जो भी इसको खाएगा आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। तो चलिए काजू करी बनाते हैं। काजू करी बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम काजू, एक प्याज छीलकर बड़े टुकड़ों में काट लिया है, एक टमाटर, टमाटर को भी बड़े टुकड़ों में काटा है, 8-10 कली लहसुन, 2 टुकड़ा अदरक और 2 हरी मिर्च, दूध की ताजी मलाई, नमक, तेल, बटर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, तेजपत्ता और एक टुकड़ा दालचीनी, छोटी इलायची, कसूरी मेथी और जीरा। तो चलिए काजू करी बनाते हैं। काजू करी बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाया है। अब हम उसमें डालेंगे ये बटर और बटर को थोड़ा पिघल जाने देंगे और अब हम इसमें डालेंगे ये काजू और काजू को रोस्ट कर लेंगे। काजू को रोस्ट करते समय अपने गैस का फ्लेम 2 रखेंगे और इसको सिर्फ 2-3 मिनट ही रोस्ट करना है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं काजू हमारा रोस्ट हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम सेम कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच तेल अब तेल गर्म हो गया है, डालेंगे ये कटा हुआ प्याज और प्याज को 1-2 मिनट भून लेंगे और 1 मिनट बाद अब डालेंगे इसमें ये लहसुन, मिर्ची और अदरक और इसको भी 1-2 मिनट भुनेंगे। प्याज भुन चुका है, आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम डालेंगे कटा हुआ टमाटर और टमाटर को भी 3-4 मिनट पकाएंगे। आप देख सकते हैं टमाटर गल गया है और प्याज भी भुन गया है। अब हम गैस ऑफ करते हैं और इस टमाटर प्याज को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने देते हैं। प्याज, टमाटर और बाकी सारी सामग्री को ठंडा कर लिया है। अब हम इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। सारी सामग्री को एक मिक्सी के जार में ले लिया है। अब हम उसमें डालेंगे ये 8-10 काजू और इसको भी इसी के साथ पीस ले सकते हैं। सारी सामग्री को पीसकर बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम सब्जी बनाएंगे। अब हम सेम कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, 1/2 चम्मच जीरा, 1 तेजपत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी और ये छोटी इलायची। आप सभी मसालों को पका लेंगे। अब हम डालेंगे ये टमाटर, प्याज और काजू का पेस्ट। अब हम इस जार को धुलकर थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और इसको 2-3 मिनट भूनने के बाद बाकी सारे मसाले डालेंगे। पेस्ट में उबाल आने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे बाकी मसाले। तो सबसे पहले 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर और ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें। इसको डालने से सब्जी का कलर अच्छा आएगा। और अब इसको ढककर तेल आने तक पका लेंगे। अब मसालों से तेल आना शुरू हो गया है। अब डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला और मसाले को इसके मिक्स कर लेंगे। और इसको ढककर 5 मिनट पकने देंगे। मसाले हमारे भून गए हैं, आप देख सकते हैं मसालों से तेल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि काजू करी का जो ग्रेवी है वो गाढ़ा ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो मैंने मलाई निकाल के रखा है उसको थोड़ा सा बचा लेंगे और इस मलाई को भी ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे।
डालेंगे रोस्ट किया हुआ काजू, और अपने गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसको ढककर 3-4 मिनट पकने देंगे। और अब 4 से 5 मिनट बाद हमारी काजू करी बन गई है। अब हम लास्ट में डालेंगे इसके ऊपर क्रश किया हुआ कसूरी मेथी, और अब बस गैस ऑफ करते हैं और सब्जी हमारी बनकर तैयार है। इसको सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल काजू करी बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस काजू करी को रोटी पूड़ी पराठा या नान के साथ सर्व करिए। यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और सभी को पसंद आएगा।